व्हाट्स अप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन की टीम की प्रोडक्शन की वीडियो में। सो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। गाइज, आपको पता है गाइज, इन साउथ अफ्रीका टूर पे गई श्रीलंका के। गाइज, इनकी जो ओडीआई की सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है 2 सितंबर से। गाइज, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। गाइज, इस मैच में हम आपको ड्रीम इलेवन की टीम की प्रोडक्शन देंगे, फिर एनालिसिस की बात करेंगे और भी गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में हमने गाइज आपके लिए गिव अवे भी रखा हुआ है, अनाउंस करा हुआ है। गाइज, गिव अवे आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 200 रुपीज़ का गिव अवे होने वाला है। गाइज, पार्टिसिपेट जरूर लेना, पॉसिबल 11 एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जस्ट आपको लिंक डाउनलोड करना है, 10 रुपीज़ आपको इंस्टेंट कैश बोनस मिल जाएगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप इजीली जितने भी आप जीतते हो उस हिसाब से आप अपने रिडीम कर सकते हो पेटीएम के अंदर। तो गाइज, वो कैसे पार्टिसिपेट लेना वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे दो काम कर दीजिए। एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइज, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। गाइज, और आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, आपको जस्ट सर्च करना है पॉसिबल 11 विदाउट एनी स्पेस। एंड गाइज, जो आपको 16,515 सब्सक्राइबर वाला चैनल, आपको गाइज यही वाला चैनल ज्वाइन करना है। इसलिए आपको गाइज आपको कोई भी चैनल ज्वाइन नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। गाइज, सारी फाइनल टीम आपको यहीं पे प्रोवाइड होती है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है गाइज वो भी हम आपको यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। और भी गाइज, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है गाइज हम आपको इसी भी चैनल पर प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब से पहले। तो गाइज, टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम भी आपको इस मैच की इसी चैनल पर मिलेगी टॉस होने से पहले। तो गाइज, टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये। तो गाइज, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइज, अगर हम प्लेइंग इलेवन पर नज़र मार ले, गाइज प्लेइंग इलेवन आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, दोनों की काफ़ी अच्छी प्लेइंग इलेवन है। गाइज, श्रीलंका की आपको प्लेइंग इलेवन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी गाइज कंपेयर अगर करते साउथ अफ्रीका की टीम से, बट गाइज साउथ अफ्रीका को झटके लगे हुए हैं। गाइज, डीकॉक इनके पास नहीं है, इनके पास गाइज इनके मेन टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे डिकॉक, वो गाइज अवेलेबल नहीं रहेंगे इस मैच के लिए। ना ही गाइज इनके पास इनके जो दूसरे जो मेन बॉलर हैं गाइज कगिसो रबाडा, गाइज वो भी इस मैच के लिए अनअवेलेबल रहेंगे, इनफैक्ट इस सीरीज़ के लिए भी अनअवेलेबल रह सकते हैं। सो गाइज, ये मतलब इसी इन दो का रीजन्स की वजह से गाइज थोड़ा बहुत जो होता है गाइज जो मैच होता है गाइज गाइज होने को अच्छा हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका हो सकता है टक्कर दे दे साउथ अफ्रीका टीम को। गाइज, कोई भी क्रिकेट है गाइज कुछ भी हो सकता है मैच में, हम एक तरफ साइड में नहीं जा सकते जहाँ साउथ अफ्रीका ही जीतेगी। गाइज, श्रीलंका भी साउथ अफ्रीका को हराने का दमखम रखती है, जबकि साउथ अफ्रीका के पास उनके दो मेन क्रिकेटर नहीं हैं। तो गाइज, अगर हम बात कर लेंगे दोनों टीमों की टीम अपडेट के बारे में, तो पहले अगर हम श्रीलंका की टीम अपडेट के बारे में देख लें, तो गाइज आपको पता है इंडिया से वो हार के आ रही है लास्ट सीरीज की ODI की 2-1 से गाइज हारी थी। हालांकि उन्होंने T20 में इंडिया को हरा दिया था, बट गाइज ये ODI गाइज T20 मैटर नहीं करता यहाँ पे। ODI में गाइज 50 ओवर्स का मैच होता है, गाइज बहुत ही क्रूशल होते हैं सारे ओवर्स। T20 में हर ओवर मैटर करता है गाइज, T20 और ODI में बिल्कुल ही अलग सिनेरियो हो जाता है T20 से। अगर हम बात कर लेंगे ओपनिंग ऑर्डर की, गाइज टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन में गाइज अपने अविष्का फर्नांडो एंड विनोद भानुका, गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग बैट्समैन का। अविष्का फर्नांडो से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली है श्रीलंका टीम को, गाइज ये हमारी ग्रैंड लीग की पिक भी रहने वाली है, हो सकता है इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे दें। मिडल ऑर्डर में गाइज, मिडल ऑर्डर में यहाँ पे भानुका राजा पाक्सा, धनंजय दी सिल्वा एंड चरिता श्रीलंका का। धनंजय दी सिल्वा से भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें रहने वाली है श्रीलंका टीम को। लोअर ऑर्डर में देख लेंगे, लोअर ऑर्डर में आएंगे अपने दसुन शनाका एंड रमेश मेंडिस। अगर हम बात कर लें गाइस इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ से स्पिन की तरफ से आएंगे रमेश मेंडिस एंड अकीला धनंजया। एंड अगर हम बात कर लेंगे पेस अटैक से जाएंगे चमिका करुणा रत्न एंड दुष्मंता चमीरा। अगर हम बात कर लेंगे साउथ अफ्रीकन टीम अपडेट के बारे में, साउथ अफ्रीका की टीम को आपको पता है झटके, दो तीन झटके लगे हुए हैं, क्विंटन डीकॉक हो गए, लुंगन यूडी हो गए, डेविड मिलर हो गए। गाइस ये तीनों इनके लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले। गाइस बहुत ही बुरा हुआ गया साउथ अफ्रीका की टीम का, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ये सारी मैच बैट्समैन प्लेयर जो हैं ऑलरेडी अपने अपने गए लीग में मतलब बिजी हैं गाइज, तो इस वजह से वो अवेलेबल नहीं रह सकते इस मैच के लिए। नहीं रबाडा होंगे गाइज, लुंगन यूडी, डेविड मिलर गाइज बहुत झटके लगे हुए हैं, बट स्टिल गाइज साउथ अफ्रीका की टीम बेटर लग रही है अगर हम कंपेयर करते हैं इनको श्रीलंका टीम से। क्यों बेटर कर रही है गाइज वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज पहली बात तो हम देखें ओपनिंग पेयर में आएंगे तेंबा बबूमा एंड जानेमन मलान। गाइज तेंबा बबूमा गाइज बहुत ही अच्छे बैटिंग है, बैट्समैन है, कैप्टनसी बहुत अच्छी करते हैं गाइज, गुड बैट्समैन है गाइज, तो बहुत उम्मीदें रहेंगी साउथ अफ्रीकन टीम को अपने कैप्टन से। गाइज और जो इनके मेन पिलर आते हैं वो गाइज आते हैं मिडल ऑर्डर में रसिवेंदर दसन। गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग बैट्समैन है, कंसिस्टेंट बैटिंग करते हैं विदाउट एनी डाउट। गाइज बहुत ही क्लासी बैट्समैन है श्रीलंकन टीम के।
गाइस उनके साथ में माने आएंगे गाइस काइल वेरिन एंड हेनरिच क्लासेंगर। हेनरिच क्लासे से भी बहुत उम्मीदें रहेंगी एज अ फिनिशर के रूप पे। गाइस अच्छी बैटिंग करते हैं गाइस, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें गाइस स्पिन बॉलिंग में गाइस हर्षित उनका तुरुप का एक तैबरा शमसी। गाइस कल के मैच के लिए तैबरा शमसी बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, क्योंकि थोड़ी स्पिन पिच अगर बॉल थोड़ा घूमेगा तो तैबरा शमसी को बहुत ही अच्छी हेल्प मिल सकती है इस पिच से। गाइस बाकी जो मेन जो पेस बॉलर रहने वाले वो गाइस लिजार्ड विलियम्स एंड एंड्रिस नॉर्डे गाइस जो उनके मेन पेस बॉलर रहने वाले हैं। हेड टू हेड के बारे में बात करें गाइस यहाँ पे हेड टू हेड क्लियरली विन करते हैं साउथ अफ्रीका गाइस। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 44 से आगे है, 44 विन कर रखे साउथ अफ्रीका ने। श्रीलंका सिर्फ 31 मैच जीती है गाइस। अगर लास्ट कर रहा हूँ 19 मैचों की बात करेंगे साउथ अफ्रीका क्लियर विन हो रही है गाइस। आपको पता है 17 मैच जीते उन्होंने लास्ट 19 मैचों में श्रीलंका के अगेंस्ट, सिर्फ 2 मैच जीते गाइस। तो श्रीलंका बहुत अंडर प्रेशर खेलने आएगी ये मैच को। इस फैंटेसी टिप्स के बारे में बात कर लेंगे, स्पिन बॉलर्स में प्ले मेजर रोल दिस पे किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर तैबरा शमसी बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाले हैं इस मैच के लिए। तैबरा शमसी को जरूर लेना अपनी टीम में, बिल्कुल भी मिस बिल्कुल मत करना। अगर हम श्रीलंका की प्लेयर के बारे में बात कर लेंगे, श्रीलंका की प्लेयर रहने वाले हैं विचका फर्नांडो दे सिल्वा एडरसन सनाका हसरिंगा एंड दुश्मंता चमीरा। साउथ अफ्रीका की टीम से जाने मन मलान एडन मक्करम वर्ल्ड एडरसन जॉर्ड लिंडे इनके मेन प्लेयर रहने वाले गए। जरूर ट्राई करना कि इन्हीं प्लेयरों में आपने ज़्यादा मैक्सिमम टीम बनाए। पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है डिसेंट उन्होंने बैटिंग के लिए गए, बैटिंग के लिए अच्छी बैटिंग पिच है, बैटिंग करने में मज़ा आएगा। जब तक स्पेस बॉलर के बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी, स्पिन बॉलर के आते गए थोड़ी बैटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। इस पर स्पिन बॉलर ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही नहीं खेल सकते, ठीक है स्पिन बॉलर थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट गए तुम खेल सकते हो। कंपैरेटिवली फास्ट बॉलर स्पिन बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे इस पिच पे। गए हम आपको बता रहे थे गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट लेने गए। गिव अवे में पार्टिसिपेट लेने के लिए गए आपको यहाँ पर टीम सेक्शन दिख रहा होगा, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है गाइस। सो गाइस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जस्ट आपको एडिटिव टीम गाइस दिख ही रहा होगा गाइस। यहाँ पे आपको जस्ट आपको दिखेगा कि सजेस्टिव टीम, क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी टीम बना रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे में एडिट दिखा रहा है बट गाइस आपके में सजेस्टिव टीम आएगा गाइस। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपने कोई भी रैंडम प्लेयर लेना है गाइस। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कोई भी रैंडम प्लेयर आप सेलेक्ट करके गाइस अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर यहाँ पे गाइस आपको सबमिट का आखिरी में ऑप्शन आ जाएगा गाइस। जो भी आपको अच्छी टीम लगती है आप उस टीम से ज्वाइन करना, यहाँ पे अपना सबमिट करना एंड गाइस ये देखिए गाइस आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी गाइस। इस नोटिफिकेशन का मतलब आप ज्वाइन हो चुके हैं अपने कॉन्टेस्ट में, गिव अवे में आपने पार्टिसिपेट ले लिया गाइस। यही गिव अवे का फंड है गाइस, इस तरीके से आप गिव अवे में पार्टिसिपेट लेंगे, जो भी पैसे आपके बनेंगे गाइस वो आपको पॉसिबल लेवल के अकाउंट में मिल जाएंगे, जिसको आप पेटीएम पे इजीली रिडीम कर सकते हो एनी टाइम। सो गाइस ऐसे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। सो गाइस चलते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। गाइस यहाँ पे अगर हम विकेट कीपर सेक्शन में बात कर ले गाइस, विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास कई अच्छे ऑप्शन आ जाएगा गाइस। या तो आप हेनरिच क्लासन को ले सकते हैं या फिर गाइस आप यहाँ से भनुका को ले सकते हैं गाइस। कुशल परेरा का खेलने का कुछ चांस है तो कुशल परेरा को भी हम स्किप करेंगे, ऐसे कहते हैं भनुका को लेंगे। बैटिंग डिपार्टमेंट की बैटिंग में यहाँ पे गाइस वैभवम बहुत अच्छी पिक रहने वाले हैं गाइस। वेंडल डसन यहाँ पे शना का बहुत अच्छी पिक रहेंगे गाइस एंड यहाँ पे फर्नांडो गाइस। ऑलराउंडर सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है इस मैच के लिए, क्योंकि आपको पता है काफ़ी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर थे गाइस, जॉर्ज लिंडे और भी गाइस बहुत अच्छे अच्छे ऑलराउंडर हैं यहाँ पे गाइस। यहाँ पे डी सिल्वा हसरंगा गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है गाइस। जैसे हम डी सिल्वा को लेंगे गाइस, एक तो बहुत अच्छी पिक रहने वाले हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं अच्छी बॉलिंग करना जानते हैं। ऐसे गाइस हसरंगा को लेंगे गाइस, तो दोनों बहुत अच्छे एज अ आप श्रीलंकन टीम के पिलर इनको बोल सकते हो गाइस। थर्ड हमारा ऑलराउंडर रहेंगे या तो गाइस हम यहाँ से जॉर्ज लिंडे को ले सकते हैं, क्योंकि जॉर्ज लिंडे का मैं कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ से ब्लैक कुलवाया को लूँगा गाइस। एक काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर बैट्समैन है, बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी करना जानते हैं। मैं फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लिया, बॉलिंग डिपार्टमेंट यहाँ से गए दुश्मंता चमीरा यहाँ से एंड यहाँ पे अपना तैबरा शमसी एंड कहते हैं एंड्रिच नॉर्ड से गाइस। ये मेरी पिक रहने वाली है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ से गाइस कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में बात कर लें, कैप्टन में बनाऊंगा गाइस वेंडल डसन को विदाउट एंड आउट, वाइस कैप्टन रहेंगे अपने हसरंगा गाइस। ये बहुत अच्छी पिक रहने वाली है गाइस, हसरंगा मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करना जानते हैं गाइस। ये मेरी फिलहाल के लिए हिसाब से फाइनल टीम रहने वाली गाइस। होप्स आपको गाइस अच्छी लगी होगी, मैं इसी टीम से सारे कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करने वाला हूँ। कोई भी लास्ट मिनट अपडेट होते गाइस, हमको कोई भी चेंज होता है गाइस हम आपको टेलीग्राम पर टॉस होने के बाद बता देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। वीडियो ये तक की थी गाइस, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।